किसान साथियों, अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं व्यावहारिक खेती सीरीज की। जो इसमें पहली वीडियो थी उसको मैंने एक नंबर दिया था 375.1, यानी जितनी हमारी भी वीडियो होंगी वो 375 से शुरू होंगी। पहली वीडियो 375.1, दूसरी वीडियो 375.2, तीसरी वीडियो 0.3, ताकि आपको व्यावहारिक खेती पर सभी वीडियो एक जगह मिल जाएं। ये थी पहली बात। पहली वीडियो में हमने बात की थी बायो एजेंट्स की, और मैंने बताया था कि इन्हें हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला भाग है बायो कंट्रोल एजेंट और दूसरा भाग है बायो फर्टिलाइज़र। आज हम बात करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स की, जिन्हें इंग्लिश में भी बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें बायो मींस जैव, कंट्रोल मींस नियंत्रण, और एजेंट्स को हम कीट कहेंगे। कीट ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले हैं सूक्ष्म जीवी, जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, जिनके लिए हमें दूरबीन का सहारा लेना पड़ता है, यानी माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। दूसरे होते हैं उड़ने वाले या दिखाई देने वाले कीट, जो हमें दिखाई देते हैं। इनमें एक मुख्य है लेडी बीटल। लेडी बीटल आपने देखा होगा, लाल लाल एक कीट होता है जिसके ऊपर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, और ये हमारा मित्र कीट होता है। अब हम बात करते हैं इन कीटों की। ये दोनों कीट जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शत्रु, यानी हमारे दुश्मन, एनिमी, इसे हमने एक नंबर दिया है, और दूसरे होते हैं मित्र, यानी कि हमारे फ्रेंड, जिसे हमने दो नंबर दिया है। अब ये शत्रु और मित्र कहां से आ गया? जो शत्रु हैं, एनिमी हैं, अब मैं आपको समझाता हूं। ये जो कीट है, जो जैव नियंत्रण के कीट हैं, ये जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं और पेड़ पौधों के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो जो शत्रु कीट हैं, उनमें मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूँ, यानी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे फ्यूजेरियम फंगस जो है ना, वो एक कीट के कारण होती है, फ्यूजेरियम नामक स्पेसीज के कारण होती है। राइजोप्टोनिया भी एक होती है, ये जमीन में पाए जाने वाले फंगस है जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। थ्रिप्स है, जैसे अगर मैंने दिखाया था अपनी एक वीडियो में, जो थ्रिप्स का दिखाया था, एक कीट दिखाया था जिसे हम अपनी नंगी आँखों से भी देख सकते हैं, वो एक उड़ने वाला कीट होता है। इसी तरह से एक नींबू की तितली होती है, जिसे हम सिट्रस बटरफ्लाई या लेमन बटरफ्लाई भी कहते हैं। आपने देखा होगा एक चिड़िया जो बीट कर देती है, शुरू में वह उस प्रकार की दिखाई देती है। तो यहाँ पर दोनों हो गए, सूक्ष्म जीवी भी जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, और उड़ने वाले या दिखाई देने वाले कीट भी जिन्हें हम देख सकते हैं, ये हमारे शत्रु होते हैं। ये हमारी जमीन को, जमीन में जो पौधों की जड़ें होते हैं उनको, और पौधों के जो ऊपर के भाग होते हैं, पत्ती टहनियों, उन सबको नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें हमारे मित्र भी होते हैं। मित्र क्या होते हैं? जैसे लेडी बीटल है, ये हमारी मित्र है। लेडी बीटल क्या करती है, जो पौधों पर शत्रु जीव मिलते हैं, छोटे छोटे उनके जो अंडे मिलते हैं, उनको खाती है। तो ये हमारी मित्र है, ये जैव नियंत्रण में बहुत सहायक होती है। दूसरा, जैसे ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है, सुडोमोनास स्पीसीज है, वर्टिसिलियम लेकानी स्पीसीज है, अजर डायरेक्टिन स्पीसीज है। ये अजर डायरेक्टिन एक ऐसा तत्व है जो नीम की जो निम्बोली होती है उसमें से निकलता है और तेल के अंदर पाया जाता है। अब मैंने कुछ शब्द इस्तेमाल करे हैं आपके इसमें अभी तक, जैसे मैंने स्पीसीज या स्पेसी बताया है। ये क्या होती हैं? स्पेसीज को कहते हैं जाति या जातियाँ। जो स्पेसीज होती हैं वो जाति होती हैं, और उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर जो स्पेसीज होती है, ये जाति होती है। और स्पेसीज क्या होती है, ये मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक जो हमने चर्चा की उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। एक शब्द है SP. और एक शब्द है SPP. ये क्या है? जब हम फ्यूजेरियम की बात करते हैं, तो ये अगर अकेला फ्यूजेरियम शब्द है तो इसकी कई जातियां हैं। तो SPP का मतलब हो गया कि जातियां, यानी के बहुवचन। वो कौन कौन सी जाति हैं, हमने ये नहीं बताया। इसी प्रकार जो ये, अगर हम एक वचन यूज करते हैं तो हम
यहां पर लिखेंगे एसपी, यानी हमें एक पर्टिकुलर जाति का पता होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं फ्यूजेरियम एसपीपी, तो इसका अर्थ है कि इसकी कई जातियां हैं, जैसे ऑक्सीस्पोरम है, सोलानी है, और भी कई सारी हैं। हमें इससे कोई अधिक लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारे इसमें फ्यूजेरियम फंगस है, कौन सी स्पीसीज से है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जानना जरूरी है, कहीं ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये शब्द क्या है। इसी प्रकार जब हम एसपी लिखते हैं तो उसका अर्थ होगा कि फ्यूजेरियम लॉक्सीस्पोरम है या फ्यूजेरियम सोलानी है, कौन सी जाति है। इसको मैं एक और तरह से आपको अच्छी तरह समझाता। आप जैसे जानिए कि मेरा नाम अनिल कुमार त्यागी है, तो त्यागी मेरी कास्ट है, यानी ये मेरा स्पेसीज है एस पी डबल ए। आपको ये नहीं पता कि त्यागी में मेरा कौन सा गोत्र है। अगर मैं ये लिख देता हूं कि मैं कोशिक हूं, अगर कोशिक मेरा गोत्र है तो ये मेरा फिर स्पेसीज बन जाएगा। इसी प्रकार आप इसको और भी कई मुद्दों में समझ सकते हैं। ये मैंने सबसे अधिक साधारण शब्दों में कहा। अगर मैं लिखता हूं कि अनिल कुमार त्यागी, तो मुझे आपको ये नहीं पता चलेगा कि त्यागी में कौन सा गोत्र है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं अनिल कुमार कौशिक, तो पता चल जाएगा कि कौशिक ये त्यागी में कौशिक गोत्र के हैं। यही डिफरेंस स्पेसीज और स्पेसीज में है। किसान साथियों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी प्रस्तुति। इसका तीसरा भाग मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा और धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जब हम इसको प्रयोग करना सीखें तो हमें ये पता चले कि हम क्या प्रयोग कर रहे हैं और क्यों प्रयोग कर रहे हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।